भारत की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। सीमा हैदर या फिर सीमा ठाकुर, लव स्टोरी या फिर साजिश की थ्योरी, प्यार या फिर पाकिस्तान का जासूसी वाला वार, ऐसे कई सवाल सीमा के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। वो सीमा जो अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान की सीमा को लांघ कर भारत आ गई, जिसे नोएडा के सचिन से प्यार था, उसने धर्म भी बदल लिया और शादी भी कर ली है। लेकिन सीमा की इस प्रेम कहानी पर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक बवाल मचा हुआ है। सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सीमा कैसे आई, किस रास्ते होकर आई, किसकी मदद से आई, ऐसे हर सवाल के जवाब की तलाश भी शुरू हो चुकी है। भारत की बात में मेरे साथ आज देखिए सीमा हैदर का सस्पेंस। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं और मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। पाकिस्तान से धमकी मिली है, पता है मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर अब मुझे डर नहीं है क्योंकि पूरा इंडिया मेरे साथ है। वो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, इसे गुंडे लोग आज़ाद घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान की मतलब क्या कर रही सिक्योरिटी वहाँ की। तो उन्होंने धमकी तो दी है, पर उनको बता दूँ कि सीमा तब भी नहीं आएगी, सीमा यहीं जिएगी यहीं मरेगी। जेकर माई असांजी औरत न मोटी, कसम आ खुदा पाक जी, त मंदर ते वाणियो तां जो हिंदू केड़ो भी गीता जो पुजारी हुंदे नहीं दो, बिल्कुल मां उतो का गोला भी मारिंदुम। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें। पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल को छोड़ दें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी। घर का दरवाजा बंद है, तमाम दस्तकों के बाद भी खुलने को तैयार नहीं। इस बंद दरवाजे के उस पार सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ रहती है। वो सीमा हैदर जिसके नाम की चर्चा पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक हो रही है। नाम सीमा सचिन है, सीमा ठाकुर भी कह सकते हैं और ठकरायन भी कह सकते हैं। सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं, भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि चार बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है। लेकिन मज़हब को चेंज करना, मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ चुकी है और सीमा के वापस ना जाने पर सिंध प्रांत में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये गलत। 10 जुलाई को पाकिस्तानी डाकू ने धमकी दी थी कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान नहीं लौटी तो हिंदुओं के पूजा स्थल को ध्वस्त करेंगे। जेकर माई असांजी औरत न मोटी, कसम आ खुदा पाक जी, त मंदर ते वाणियो तां जो हिंदू केड़ो भी गीता जो पुजारी हुंदे नहीं दो, बिल्कुल मां उतो जेका गोला भी मारींदुम, पुराण वारा बम भी पूरींदुम, जेकर जेको भी वाणियो आयो तूरी। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जो रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है, ये उसी हमले में इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले को सीमा हैदर के भारत आने से जोड़ा जा रहा है। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन दो चेहरों को पहचान लीजिए। ये 22 साल के सचिन हैं जो हिंदुस्तानी है, और उनके साथ है 27 साल की सीमा हैदर जो पाकिस्तानी है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो सीमा अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान की सीमा लांघ कर सचिन के पास चली आई। यही अपील है कि मेरे पति को और मुझे
आराम से रहने दें यहीं पर और मुझे दे दें यहाँ की नागरिकता ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूँ और मैं पढ़ा सकूँ यहाँ। लेकिन कहानी इतनी सीधी और सरल भी नहीं है जितनी देखकर लगती है। इस कहानी में कई पेच है, जासूसी वाले आरोपों के फेज है और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार को यूपी एटीएस की टीम सीमा और सचिन के घर पहुंची और सीमा को किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ की। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी से लेकर भारत आने तक के सभी पहलुओं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। माथे पर सिंदूर और भारतीय लिबास में तुलसी की पूजा करते हुए सीमा हैदर की तस्वीरें जब देश ने देखी तो हर कोई दंग रह गया। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ सीमा हैदर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी चर्चा बन गई कि मानो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो। सीमा ने किस तरह से देश में सनसनी मचाई उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के प्रोमो से ज्यादा व्यूज सीमा हैदर के वीडियो को मिल रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर सीमा की कहानी में हर किसी को इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी किस हद तक है उसे ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन के घर के बाहर मौजूद इस भीड़ से समझिए। एबीपी न्यूज संवाददाता मदिया खान मौके पर मौजूद थी। जब उन्होंने घर के बाहर जमा लोगों से सवाल किया तो पता चला कि कोई अलीगढ़ से आया है तो कोई पलवल से ग्रेटर नोएडा पहुंचा है और हर कोई बस ये देखना चाहता है कि वो सीमा हैदर कौन है जो पाकिस्तान से अपने चार बच्चों को लेकर भारत चली आई है। संजू नाम है, अलीगढ़ से आए। अच्छा, क्यों आए हैं? देखने के लिए आए हैं सीमा हैदर को। अच्छा, क्यों, क्या देखना है? मतलब देखने की जाहिर सी बात है, बाहर से आया कोई या पाकिस्तान से आया कोई आदमी देखना। तो मैं तो ड्यूटी से आ रहा था तो मैं बोला देखते चले भी, लाइव देख लें। लाइव देख ले। हाँ जी। बड़ा दिलचस्प जवाब है आपका। आप कहाँ से आए? ककोड़ से आए जी। कितनी दूर पड़ता? यहाँ से 20 किलोमीटर। अच्छा, तो अकेले आए हैं किसी के साथ? तीन जने साथ आए जी। अच्छा, क्यों आए हैं? लेकिन यहाँ लोगों को देखने आए थे जो पाकिस्तान से आए हैं, उन्हों को देखने आए हैं। बाहर जो बंदा आएगा उसे देखने आएंगे हम। मैं देखने के लिए आया था सीमा भाभी को। सीमा भाभी को? अच्छा, तो ये बताइए क्या माहौल है यहाँ आसपास के लोगों? यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, उनको देखने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो बाहर से हैं जी। बाहर से? बाहर कहाँ से? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से क्यों आए हैं यहाँ? कुछ नहीं, देखने के लिए आए थे, हम भी देख ले, सब लोग देखने आ रहे हैं। हम सीमा हैदर का सोशल मीडिया अकाउंट तलाशने इंस्टाग्राम पर पहुंचे तो पता चला कि सीमा हैदर के नाम से इंस्टा पर पैरोडी अकाउंट बनाए जा चुके हैं और हर अकाउंट पर कई हजार फॉलोअर्स मौजूद हैं। सीमा हैदर के नाम पर इतनी उत्सुकता और जिज्ञासा इसलिए भी है क्योंकि लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत के लिए बच्चों के साथ मुल्क छोड़कर खासकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आने की कहानी तो फिल्मों में भी नहीं मिलती। पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है जी? तीन बच्चों के सर रॉ एजेंट है जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी। सीमा हैदर सचिन के साथ उनके घर में रहने लगी है, जबकि सीमा के पहले पति गुलाम हैदर सीमा को पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं। चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं मेरे बच्चों को वापस किया जाए। वो इस टाइम भारत की कस्टडी में है। मैं गरीब हूं, मेरा ना वजीर आजम सुनता है ना सिंध वजीर आला सुनता है, मैं मिस्कीन हूं। मैं हाथ जोड़ के रेंजर आर्मी चीफ स्टाफ मुनीर साहब को मैं अर्ज करता हूं, मेरा सुना जाए, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को वापस किया जाए सर। गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहते हैं और उनका दावा है कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन सीमा साफ कहती हैं कि उनके पति नाटक कर रहे हैं और वो कहीं और शादी कर चुके हैं।
वो तो पहले तो बकवास ही कर रहे हैं, ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पहले बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ खुश रहे, मैं यहाँ खुश हूँ। यानी पूरी कहानी में सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं है, कहानी चौंकाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। लेकिन सीमा हैदर कहती है कि उन्होंने जो कुछ किया अपने प्यार को पाने के लिए किया। बस क्या हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाए, वैसे तो हो गई है, कोर्ट की रहती है, हो जाए फिर बहुत शांति से रह जाऊं, मुझे यहाँ नागरिकता मिल जाए, मुझे मेरे बच्चों को, फिर कोई चिंता नहीं। चाहती क्या है आप जो है, मतलब भारत की सरकार से और लोगों से चाहती क्या है, और पाकिस्तान की सरकार से क्या चाहती हैं? पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल को छोड़ दे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। लेकिन स्टोरी हैरान तो करती है कि पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ एक महिला चली और नेपाल होते हुए हिंदुस्तान पहुँच गयी। विरोधी सुरक्षा में चूक का हवाला देते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब UPATS एक्शन में आ चुकी है। व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ की तैयारी हो चुकी है। सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेज दिए गए हैं। सीमा की इस प्रेम कहानी और भारत में एंट्री लेने के पूरे एपिसोड में साजिश का एंगल देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से सीधा ताल्लुक है। सीमा के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा से सिर्फ UPATS ही नहीं बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। एक तरफ सीमा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के इस कदम के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। वो सिर्फ एक बेवकूफ़ खातून है जो एक लड़के की बातों में आके तो यहाँ से चली गई है। उसने अपना घर भी बर्बाद किया, अपना मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया, हत्ता कि उसने आखरत तक ख़राब कर ली है। तो ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है या हमारे घरों में जो बच्चियों को बच्चों को पूछने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमें इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। वो एक नामाकूल औरत है जो यहाँ से बच्चों को भी ले गई है, तो उसको तो वहाँ पे भी वाकई सजा मिलनी चाहिए और इधर पाकिस्तान को भी उस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक क्या माहौल है, कितनी नफरत है, कितना विवाद है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब बारी सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के उस हिस्से की है जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। पबजी कहने को ये एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है। यही पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में तो खिलाड़ी थे लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर तक निकल गई। वो साल था 2020 जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा हैदर ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलते हुए सचिन से दोस्ती हुई, इसके बाद एक दूसरे को नंबर दिए गए, फोन कॉल से वीडियो कॉल शुरू हुए और फिर इसी साल की शुरुआत में दोनों ने मिलने का फैसला किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना, नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था, इसलिए दोनों ने नेपाल को चुना। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा भारत आने के लिए यूट्यूब देखना शुरू की। उसके बाद भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई पहुंची और दुबई से 11 मई को नेपाल आ गई और नेपाल से बस में बैठकर 13 मई को सीमा दिल्ली आ गई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने चार बच्चों के साथ थी। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेच कर आई है।